आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। पहले चरण के मतदान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महापर्व का श्री गणेश हो गया है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आइए आपको बताते हैं कि पहले चरण में किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 21 राज्य, 102 लोकसभा सीटें, मोदी सरकार के 8 मंत्री, विपक्ष के कई दिग्गज, कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। 134 महिला उम्मीदवार, 1491 पुरुष उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल मिलाकर 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 134 महिला उम्मीदवार और 1491 पुरुष उम्मीदवार हैं। मतदान के पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है, उनमें कई बड़े नाम हैं। पहले चरण में जिन मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें शामिल हैं नागपुर से नितिन गडकरी, अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू, डिब्रूगढ़ असम से सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर यूपी से, जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू कश्मीर, भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर राजस्थान से, एल मुरुगन नीलगिरी तमिलनाडु से। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सभी नेताओं ने दमखम दिखाया है। पहले चरण की वोटिंग उत्तर भारत के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में कई रैलियां की हैं। बीजेपी इस चुनाव में भी 5 सीट पर कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद लगाए हुए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में थी। इस बार जयंत ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक तो बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को चुनाव मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। संजीव बालियान के खिलाफ स्थानीय लोगों, खासकर छत्री समाज की नाराजगी का असर चुनाव में दिख सकता है। मुजफ्फरनगर के अलावा वेस्टर्न यूपी की सहारनपुर और नगीना सीट पर भी देश की नजर है। सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद तो नगीना सीट से भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पहले चरण में मतदान तो देश के 21 राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही वोट डाले जा रहे हैं। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1.5 महीने में दर्जन भर बार तमिलनाडु का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस बार दक्षिण का किला फतेह करने की ठान ली है। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहता है, इस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। वैसे तो तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्ष के एआईएडीएमके के बीच है, लेकिन बीजेपी ने कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की साफ सुथरी छवि और प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी की मेहनत राज्य में चर्चा का विषय बन रही है। उत्तर और दक्षिण के अलावा पूर्व के असम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ सीट से मैदान में हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर की कई सीटों पर पहले चरण में दिग्गज जोर आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से 2 चुनाव जीतकर मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले सांसद जितेंद्र सिंह 3री बार सियासी मैदान में हैं। राजस्थान के अलवर सीट से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीकानेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की चुनौती है। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। 2014 और 2019 में उन्होंने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी।
मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है। इनमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा को छोड़कर राज्य की बाकी सभी 28 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पश्चिमी सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। 2004 से सांसद बन रहे किरण रिजिजू 3 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार फिर एक बार वो चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ साफ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के 400 पार के नारों में कितना दम है, ये पहले चरण के मतदान में साफ होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस समेत दोनों गठबंधनों का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। एनडीए मोदी की गारंटी, राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को मुद्दा बना रहा है, तो विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कथित भ्रष्टाचार को लेकर वोट मांग रहा है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन यानी भगवान होती है। जनता किसके वादों पर एतबार करती है, इसका पता 4 जून को चल जाएगा। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।